गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक एंड डेटा हाउस में। दोस्तों, ये वीडियो है फॉर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। देखो, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया, कमेंट में पूछा लोगों ने कि सर क्या एक्चुअली में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खासकर तब जब एग्ज़ाम सिर्फ 2 से 3 महीने रह गया हो। तो देखो, बड़ा सिंपल सा एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो किया और शायद आप भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने लगते हो तो उसको जानना जरूरी है कि उसके सिलेबस क्या क्या है, उसके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है। मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूँ तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं, तीनों में सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइमिंग तो है बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो वो जो 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आएगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उसको कैसे आपको जो है टैकल करना है ताकि आप आराम से पेपर को क्लियर कर जाएं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पे आपको बताया है कि स्टेट जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो उस चीज़ को आप जाके देखिए। वो चीज़ मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आया हूँ एक श्योर शॉट, जो बहुत ही सिंपल एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेके, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रैटेजी मुझे भी हेल्प किया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक स्ट्रैटेजी जो कोई यूट्यूब चैनल वाला बताता है आप वही फॉलो करें। हो सकता है कि आप अपने को मुझसे बेहतर जानते हों और आपके लिए कुछ अलग सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लगता हो जो आप खुद जानते हों और आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेटर वन। बट मैं यहाँ पे मास लेवल पे क्या सजेस्ट करने वाला हूँ कि देखो, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को जानो कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है जानने का कि आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पेपर में पूछा जाता है। तो मैं ये अजम्पशंस के साथ आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एटलीस्ट सारे सिलेबस का ज्ञान है कि क्या क्या पेपर में आता है, इंग्लिश में क्या क्या आता है, मैथ्स में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या आता है। देखो, जब भी किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता है कि आगे 1 से 2 महीने में या 3 महीने में एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स एंड मेंस का, तो आपको क्या करना चाहिए, सारा का सारा फोकस आपको मॉक टेस्ट पे शिफ्ट करना है। आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट को होके जानी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो भी सुन लो। आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देने जाओगे या फिर मेंस का मॉक टेस्ट देने जाओगे, इसका रेशो क्या होना चाहिए? शुरू में जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होता है, वीक में आपको 1 मेंस का मॉक टेस्ट देना है और 3 प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देना सिर्फ ऐसे दे के छोड़ मत देना है। मॉक टेस्ट देना जो है वो 10% काम है, बाकी का 90% काम उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना ये भी सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एनालाइज करने के लिए आपको अपने मॉक टेस्ट को 3 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। वो कौन सा 3 हिस्सा है? पहला, जो आपने करेक्ट किया, दूसरा जो आपने इनकरेक्ट किया, तीसरा जो आपने बिल्कुल भी किया ही नहीं, अनअटेम्प्टेड किया। तो पहला जो करेक्ट किया उसमें से उस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आपके टाइम ज़्यादा लगे, और आप ये ट्राई करो कि क्या किसी और तरीके से अगर मैं इसको करूँ या कोई और अप्रोच अपनाऊँ तो क्या इसका टाइम कम हो सकता है क्या। बिकॉज यूट्यूब पे ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, हर क्वेश्चन को करने के 100 तरीके होते हैं, तो आप उनको फॉलो करोगे, अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो आप उस टाइम को मिनिमाइज कर सकते हो, बिकॉज टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, जो आपने गलत किया, गलत किया उसका रीज़न ढूंढो क्यों गलत हुआ, अगर गलत हो गया है तो उसको सही करो, उसको सीखो कि कैसे सही होगा। थर्ड, जो आपने छोड़ दिया उसको सीखना जरूरी है, छोड़ दिया मतलब बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसको सीखो और एटलीस्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। एक बार सॉल्व हो गया, बार बार कंटिन्यूएशन में सॉल्व होता रहेगा तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि सारा का सारा सिलेबस एक साथ आपके दिमाग में चल रहा होता है और सब कुछ आपके साथ ही साथ जाता है और प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही बार होना है तो उसके लिए जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो उतना बेटर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी आपको सेम वही करना है। मेंस के एग्ज़ाम में आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ करंट अफेयर। तो देखो, करंट अफेयर के लिए मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट सुन लो कि लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है और उसमें से भी लास्ट 3 महीने का बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना है। और जितना ज़्यादा MCQ हो सकता है आप करंट अफेयर का डेली बेसिस पे उतना लगाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सर्च कीजिए ITSBRTNK। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।